राम राम जी। स्वागत है आज के नए व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल कविता जी व्लॉग में। कल मैंने कहा था कि मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी और मैं अब वो स्पेशल वीडियो बनाने लग रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी गोल्ड ज्वेलरी। क्यों कर रही हूँ उसका भी एक रीजन है, तो उसका रीजन है आप लोगों को बाद में पता चलेगा, मैं बताऊंगी। तो चलो मैं करती हूँ अपनी गोल्ड ज्वेलरी की कलेक्शन। मेरे पास कितनी है कितनी नहीं है और क्या क्या है। सबसे पहले तो ये अंगूठी एक जो मैं पहन के रखती हूँ हर वक्त, और ये मेरी डायमंड रिंग है। ये सिंगापुर गए थे तो वहाँ से लेके आए थे। ये चांदी की है लेकिन डायमंड है। और एक है मेरे पे ये सिंपल बाली। ये बाली मेरी 3 बार बन चुकी हैं। सबसे पहले तो थे मेरी शादी में कुंडलों का रिवाज था उस टाइम पे, थोड़े अलग से छोटे और थोड़े यूनिक से थे। लेकिन कई बार क्या होता था, अभी पहनते खोलते हैं ना तो उसमें क्रैक्स आ गया था। उसके बाद फिर मैंने बनवाई दूसरी बाली, उनके साथ भी ये वही काम हुआ। वो थी मेरे आधा तोड़ा की, फिर उसके बाद मैंने ये बनवाई बड़ी बड़ी। ये मेरे पौना तोड़ा की है तो अभी तक ये ठीक है, 6 साल हो गए इनको बने हैं इन्हें। तो फिर उसके बाद नंबर आता है नाथ का। ये मेरी नाथ है जो मेरे को शादी में मिली थी। ये पहले के डिजाइन की है और जो डिजाइन अब चला हुआ है, अब ट्रेंड में है ये। तो ये नाथ है और इसी नाथ के साथ मेरे पास टिक्का भी है, तो ये भी इसी ट्रेंड का चला आया है। पहले का रिवाज है लेकिन अब फिर इसका दोबारा रिवाज आ रहा है। तो ये दोनों नाथ टिक्का। उसके बाद बारी आती है चैन की। ये मेरी चैन है, ये भी मैंने 3 बार बनवा ली। पहले थी सिंपल, थी ऐसे मैं सिंपल थी थोड़ी सी यूए डिजाइन में, तो जैसे पोचा मारते होने ना वो नहीं। पहले मेरी थोड़ी सी इतनी इतनी जैसे डिजाइनदार सी थी, यहाँ पे थोड़ा हाँ हो गया थोड़ा यहाँ पे हो गया, वो थी। वो मेरी पोचा मारते होने टूट गई, बाल्टी में उड़ गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने बनवाई दूसरी, वो थोड़ी ही मेरे को पसंद नहीं आई। दोबारा फिर मैंने ये बनवाई, ये मेरी अच्छी बड़ी है, लॉन्ग में है। तो ये चैन है, नाथ टिक्का, चैन और कानों की बाली, एक अंगूठी दिखा दी। ये वह मेरे पास ये हार जो यहाँ पर डलता है, ये वाला हार, और इसी के साथ है कानों के। ये पूरा सेट है और इस सेट के साथ एक है अंगूठी ये वाली। तो ये पूरा का पूरा सेट है लेकिन इसका तग्गा निकलिया हुआ है। और ये भी मैंने दोबारा बनवाया था, इसके पीछे भी एक कहानी है जिमी इंटरेस्टिंग सी। मेरी किस्मत लगा लो, कुछ भी लगा लो। ये बनवाए थे जैसे मेरे शादी में चढ़िया था जो इससे पहले वाला हार था, तो उस टाइम में 6-7 हार बनवाए थे मेरी सासू ने। और पता नहीं सुनार की गलती था, पता नहीं किस वजह तय, सबके दो दो तोलिया के मेरा 1.5 तोला का हार निकलिया। मेरी किस्मत देखो। मैंने कई साल बाद सारिया ने चेंज करवाए तो उन्होंने तो अपने चेंज करवा लिए, मैं रहेगी। तो मैंने सोचा अभी तू भी चेंज करवा ले। चेंज करवा के मैं गई गांव में सुनार पे, तो भी बोला जी इनू कह 14 ग्राम का उतर है। फिर मेरा को नहीं यकीन सा होया, फिर मैं लेके गई मेरे गांव में जो हमारा सुनार है उसका, वो भी बोले अभी ये 14 ग्राम का है। मैं 14 ग्राम का है, मेरा दुख लगा। अभी देखो आधा तोड़ा जावे, दुख तो सभी का लगा है। सबके दो दो तोड़िया के मेरा 1.5 तोड़ा का। उसके बाद फिर मैंने जींद लेके गई, मैं जींद बनवाया था मैंने ये,
तो उसने भी बताया भी ये 14 ही ग्राम का है, फिर 2 ग्राम के आसपास उसने काट लिया, मेरा कुछ भी नहीं बचा, ये मैं बहुत ही नुकसान खाए बैठी हूँ इस आर में। मैंने आर का बदला आर भी दिया, कान्ना के भी दिए, एक मेरी गंठी थी आधा तोड़े की, पौना तोड़े की बल्कि, ने वो दी आधा तोड़े की, और उसके बाद और क्या दिया मैंने, पजेब थी मेरे पास, वो पजेब दी, जब जैक ने ये मेरी एक अंगूठी थी, अंगूठी कान्ना के, और ये हार आया। तो ये मेरी किस्मत लगा लो कि मेरा आधा तोड़ा का नुकसान मेरे को हो गया। और इसके बाद बारी आती है ये मंगलसूत्र की, मंगलसूत्र नहीं है ये, लेकिन जो मेरा पहला था वो मंगलसूत्र ही था, मैंने बनवाया था अपना एक मंगलसूत्र। मंगलसूत्र मैंने बनवाया था, जैसे मेरे हमारे हम 6 बहने हैं, का कहता हूँ कि मौसी मौसी के लेले, शादी में जो हमारा कन्यादान मिला था ना, तो हमारा कन्यादान लड़कियों को ही देवे हैं सारे, हम तो 6 की 6 बहन अपना कन्यादान खुद लेके आई थी, ना कि हमारे घर के ने रखा। तो हमारा उस टाइम पर 1999 में 2000 रुपये कन्यादान आया था, उस कन्यादान के पैसे हो गए थे, ब्याज पे दे दिए थे मेरी माँ ने, तो थोड़े बहुत मेरे हो गए थे 6000 रुपये। मेरी बहन का तो लड़का आया हुआ, 6000 रुपये उसको दे दिए थे, क्योंकि वो उसने वहां पे यूज कर लिए, तो मेरे 6 के 6 वैसे ही बच रहे थे। और एक तबीजी मेरी दादी ने डाली थी, और एक ओम मेरा शादी में था, और एक ओम मेरे को बेटा हुआ तब मिला था सोने का, और एक चांद बेटे का था सोने का, 4 वो लगाकर 6000 रुपये लगाकर फिर मैंने 1 तोड़े का मंगलसूत्र बनवाया था। फिर कुछ टाइम मैंने वो पहना, लेकिन बहुत से लोगों का गलत फहमी है कि भी वो शीर में बनवाया गया, वो शीर में नहीं बनवाया गया था, वो बनवाया था मैंने अपने इन चीजों का। मैंने शीर में से जितने साल मैं रही हूँ मैंने एक भी टूम नहीं बनवाई है, किसी हो किसी ना हो। पैसे थे मेरे पास बहुत, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर इतना भी मैंने बेईमाना चोरी चकारी करने का कुछ भी नहीं था। जो भी टूम बनवाई है मैंने सिर्फ वो अपने अपने उसकी बनवाई है, ना कि कोई उन चीजों की। तो फिर उसके बाद फिर मैंने वो मंगलसूत्र, मेरा जी उसा उतर गया उस मंगलसूत्र था, मैंने कुछ बातें सुनने में आ गई थी तो मेरा जी उतर गया। फिर मैंने ये राजस्थानी चोकर बनवाया था 6 साढ़े 6 7 साल पहले, 6 साल पहले, तो देखो कैसा है, अच्छा ना। और ये मैं नई लेके आई हूँ, मेरे को अच्छी लगी, तो ये देखो, तो ये मैंने बल्कि ने इनका दिखाई महा, काश ये सोना को होता, ये बोले बनवा ले, फिर महाना अभी अभी नहीं बनवाती, जब मेरा ब्योत तो होगा तो सोने का भी बनेगा। और ये चोकर है, ये मेरा फिर मैंने थोड़ा वो तोड़ रड़ा के पीछे थोड़ा बारी बनवा लिया था, तो ये चोकर है। फिर है मेरे पास ये कानों के, ये मुझे डिजाइन अच्छे लगे। मैं क्या करती थी भी, देखो शीर में मेरी हिम्मत हुई नहीं कभी भी कुछ बनवाने की, जो भी मैंने बनवाया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मेरी कंठी बनवाई थी मैंने, वो बेटे के पीछे आए थे, जैसे अभी जब पैदा होया था, कोई 100 दे रहा कोई 50 दे रहा, वो मेरी 1700 1800 रुपया में आधा तोड़ा बन गया था उस टाइम पे, बहुत ही कम रेट था सोने का, तो वो मैंने दे दे के इशार मरलवा लिया, क्योंकि इसमें आधा तोड़ा ही था ही, कम तोड़ा ही हो गया था कम। तो फिर मैंने ये अपने कुर्सी तराने के बाद थोड़े बहुत बचाए बचाए के बचाए बचाए के पीछे ये बनवाए मैंने, और मेरी 2 तोड़िया की चैन थी वो कट कट करने, 1 तोड़ा मैंने चैन में रड़वाया, और कुछ मैंने सोना इसमें रड़वाया। और अब बारी आती है मेरी इस कड़े की, ये मेरा कड़ा है 1.5 तोड़े का, लेकिन ये इसका डिजाइन अच्छा नहीं बना रखा उन्होंने, और ये मुसमस भी रहा है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ भी इसको दे दे कर कुछ और बनवाऊँ, क्योंकि ये मेरा एक है ना पहनने में काम नहीं आता, तो मैं इसको सेल करने जा रही हूँ। और आज की वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि मैं पहले अपनी दिखा दूँ भी मेरे पास क्या क्या था, फिर उसके बाद दिखाती हूँ भी मैंने क्या लिया क्या ना लिया, और कब लूँगी इसका भी कोई पता नहीं है अभी।
और सोच में इसको भी रही थी, लेकिन मेरे को आज देख के ना लगा महाना ये तो ठीक है, क्यों खामोखाई सोना का नाश करवाया। क्योंकि इसमें अगर वो 10% तो काटें काटेंगे, 15 भी काट सकते हैं, 20 भी काट सकते हैं, तो मेरा मन बदल चुका है, अभी मैं इसको नहीं दूंगी। अगर कान्ना के ठीक होंगे तो थोड़े कान्ना के ठीक करवा लूंगी, क्योंकि इसमें ना एक थोड़ा सा टूट रहा है ये वाला, और एक ये अंदर से टूट रहा है थोड़ा सा, तो इनको ठीक करवा लूंगी, बाकी का ये नहीं दूंगी अब। तो अब बारी आती है ये मेरी रिंग की। एक मेरे पास ये रिंग है, अच्छी बारी है, 6 ग्राम से भी ऊपर की है ये। मैं किट्टी डालती थी उसकी बनवाई थी, दो रिंग, एक ये वाली और एक ये वाली। और ये रिंग फिर मैंने बनवाई थी अपनी अपने पैसे की, इनसे ले लेके कभी इनकी जेब से कुछ निकाल लिया, कभी इनकी कुछ निकाल लिया, तो थोड़ा 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 जोड़ के ने और बना ली। और मैं इतनी पागल हूँ, इतनी सेंसिटिव हूँ, सच बताऊँ तो बात, मैंने कई बार पैसे जोड़ लिए भी, हाँ भी ये चीज़ बनवा लूँगी, ये चीज़ बनवा लूँगी, मेरे जोड़े पैसे से कोई और ले जाए, मैं कहना भी हाँ भी मन जरूरत है, मैं उसको दे देती हूँ और वो अपनी टूम बनवा ले। मैं इतनी पागल हूँ, मैं कई बार आप सोचूं हूँ तो कितनी वो है। तो ये था मेरा कलेक्शन गोल्ड का। मेरे पास ये गड़का है, ये गड़का है और ये गड़का है, तीन चीज़ें तो मेरे पास गड़की हैं, तीन ही मेरे पास कानों की हैं, एक मेरे पास ये मूसा तूसा सा कड़ा है, चार मेरे पास अंगूठी हैं और ये नाथ और टिक्का है बस। और ये नथली नुथली सी छोटी मोटी सौदे पड़े हैं, तो फालतू कुछ है नहीं। यही था, कैसा लगा मेरा कलेक्शन कमेंट करके जरूर बताना। ये थी मेरी गोल्ड ज्वेलरी। आजकल ये वाले आर्टिफिशियल आए हुए हैं, लेकिन ये मेरा गोल्ड का है। और अगर आप कहोगे तो मैं चांदी का कलेक्शन भी दिखा दूंगी। तो ये था मेरा आज गोल्ड का। और जो जो भी रीजन थे इनका पीछा बनवाने के या ये बनवाने के, कुछ और बनवाने के, वो रीजन बिल्कुल सच है, उसमें कोई वो नहीं है। और रही बात, एक बार जैसे मेरे पास कानों के थे पहले, यार के साथ चढ़ाए थे, तो मैंने बोला मी सासू तै मम्मी ने सुई तागे करवाना जी करा है, उसको थी चैन वाले, तो उनकी चैन अटवाया क्या, उन्हीं चैनों का उन्हें का निचर एक एक धागा लटकू वाले मेरी सासू के ये काम थे। फिर मेरी गुंठी मुसमस गई थी, तो मैंने कहा माँ महेश ने आठ का बनवा लिया, अभी सुंदर नहीं लग रही, ठैक ने उसमें 1 रुपया भी नहीं रलवाया, 1 रुपया भी कैसा हुआ उसमें, या कुछ जो इसमें मिक्स करवाऊँ वो मिक्स करवाया क्या ना, और दूसरा डिजाइन बनवा दिया। मेरी सासू ने ये काम करे मेरे गले, लेकिन बाद में उसने अपना कर दिए थे पूरे, तो उसने मेरी बालियों में रड़वा दिए थे पीछे, तो उसको मैं कोई दोष नहीं देती। तो ये था मेरा आज का गोल्ड कलेक्शन, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।